ये आ गया वाटर क्रॉसिंग। सो गाइस अब जा रहे हैं इस बाइक का टॉप स्पीड टेस्ट करने एंड इसका एवरेज टेस्ट करने। अभी ये 48 किलोमीटर तक चलेगी, अभी यू टर्न लेके मैं पेट्रोल फिलअप कराऊंगा एंड देन उसके बाद इसको चलाएंगे। तो इतना ही आएगा, अभी इतना हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम भरवा रहे हैं एग्जैक्टली 1 लीटर का पेट्रोल। और भाई ये कस्टमर को बुलाने के लिए कितने लेवल तक गिर चुका है ये देखिए, एकदम झुका जा रहा है कि भाई आओ और पेट्रोल भराओ हमारे पेट्रोल पंप से। सो अब जाके थोड़ा सा उठा इसका कांटा, नहीं तो 48 किलोमीटर दिखा रहा था और अब दिखा रहा है 113 किलोमीटर। 2 लीटर पेट्रोल डलाया मैंने, जो भी करंट एवरेज के हिसाब से 20 के एवरेज के हिसाब से। तो चलिए अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सो मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया है, तो चलिए इसको सेट कर देते हैं। ये ट्रिप पे आ गए, बैक कर दो इसको। तो ये वाला जो स्विच है मेरे को, ये ऊपर की तरफ टॉगल करूँगा। अपीयरेंस ट्रिप, ट्रिप में जाऊंगा, रीसेट ट्रिप, रीसेट ट्रिप, ट्रिप टू को मैं कर देता हूँ, ट्रिप टू को मैं कर दूंगा रीसेट, कंफर्म। तो मेरा ट्रिप टू हो गया होगा रीसेट, यस। गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर, मैं आपका दोस्त। आज मेरे पास आ गई फिर से गोरिल्ला और आज मैं इसका स्पीड टेस्ट टॉप स्पीड 0 to 60, 0 to 100, 60 to 100 सारा कंपेरिजन इसमें करूंगा और आपको बताऊंगा ये बाइक की परफॉर्मेंस कितनी है। जैसा आपको पता है कि ये बाइक 40 Nm टॉर्क एंड 40 BHP का पावर देती है। 2 लीटर का मैंने अभी इसमें पेट्रोल भरा लिया है, क्योंकि 1 लीटर का भराया था तो इसका मीटर बढ़ा ही नहीं था, होता था थोड़ा टाइम लिया हो। और जैसे मैंने 2 लीटर का भराया तो इसमें भराया पेट्रोल तो इसमें इसका मीटर उड़ गया है, 48 दिखाया था अब 113 हो गया है। चलिए जल्दी से इस बाइक को राइड करते हैं और आपको बताते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। चलिए अभी 0 पे है, फर्स्ट गियर, देखते हैं। स्टार्ट, पहला गियर 52 60, दूसरा गियर, तीसरा गियर 102। बाइक में बबलिंग है बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को फील हो रही थी। ये रोड थोड़ा कर्व है, थोड़ा धीमे कर लेते हैं। एक सौ तीस, 32, 34, 35, 134 तक, पांचवे गियर पे। अभी छठा गियर लगाने की जगह ही नहीं मिल रही है मेरे को। हो सकता है आगे जाके मिल जाए जगह लगाने को गियर, तो लेट्स सी। छठा गियर पे बाइक डाल दी है मैंने भाई, वैगनार वाले, थोड़ा सा बस। नहीं नहीं साइड लेन नहीं, साइड लेन नहीं, साइड लेन नहीं। तो 36 38 के ऊपर जा ही नहीं पा रही भाई। तो इसके ऊपर बाइक जा ही नहीं पा रही है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं बॉडी को, उसके बाद एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे। तो जो इस बाइक की ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ रहा है इस बाइक को मनूवर करने में सिटी के अंदर। से आप देख सकते हैं कि बाइक अच्छा खासा हैंडल कर पा रहा हूँ। पिकअप देखिए इस बाइक का, मतलब भाई अगर ये 450 cc की बाइक है तो 450 cc की तरह ही काम करिए। तीसरे गियर में है
और तीसरे गियर में मैं इसको ले जा रहा हूँ अभी 35, देखो कितना नीचे जा सकती है, 30, 28, चले 25 पर उठाएं कोई, हल्की सी जर्किंग, 27 के नीचे नहीं जा रही है, तो इसको उठा के देखते हैं। और ये नॉर्मल में उड़ गए भाई। और क्या चाहिए आपको लो एंड टॉर्क में, ये है इस बाइक का लो एंड टॉर्क। और ये पिकअप, ये देखिए एकदम से आप इस बाइक का थ्रॉटल खींचो और सट से निकल जाती है, ये देखो देख रहे एकदम से ही निकल जा रही है। तो एक बार बाइक को साइड में लगा लेते हैं और एक बार 0 to 60 का टेस्ट कर लेते हैं धीमे करके बाइक को। तो न्यूट्रल हो गई पहला गियर, पिकअप पहले गियर में, दूसरे गियर में, अरे यार 60 निकल गई थी। काफ़ी ट्रैफिक है, निकल ही नहीं पा रही है बाइक, ट्रैफिक बहुत है इस समय, गलत सिलेक्शन किया है टाइमिंग का बाइक चलाने के लिए। लेकिन चलिए 60, एक बार 60 पे लेके आते हैं बाइक को, 60 पे लेके आते हैं बाइक को, 60 पे आते हैं बाइक को लेके, एंड देन तीसरे गियर में 60 पे है। तीसरे गियर में 104, तेईस, 135 तक तो पांचवे गियर में जा रही है, चौथे गियर में 123। अब यहाँ थोड़ा खुला मिला है, चौथे गियर में 131 भाई, चौथे गियर में 131 जा रही, तो छठे गियर में कहाँ जाएगी ये। छठे गियर में शायद नहीं जा पाऊंगा, तो पांचवे गियर पे मेंटेन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल भी आ चुका है बाइक में। फाइनली छठा गियर लग गया है, लेकिन इतना भगा नहीं पा रहा हूँ मैं, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है और टर्न भी है रोड पे। ब्रेक जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये बाइक 140 से 80 पे आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से 140 इज़ अ गुड स्पीड फॉर दिस बाइक। इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत ही कम है, मेरे को इस बाइक में वाइब्रेशन नहीं लग रहा है, नहीं फील हो रहा है। हो सकता है हिमालयन चला चला के आदत पड़ गई हो, लेकिन फ्रैंकली मेरे को फील नहीं हुआ अभी तक इस बाइक में वाइब्रेशन। जो बाइक ने अभी तक एवरेज बनाया है, इतना रिग्रेस चलाने के बाद भी मेरे को 23 का एवरेज दे रही, इतना रिग्रेस चलाया है मैंने इस बाइक को। तो अगर आप सिटी में इसको इज्जत के साथ चलाते हैं तो आपको 30 का तो एवरेज निकाल के देगी ही देगी आराम से। कुछ ये थी इस बाइक की टॉप स्पीड 0 to 60, 60 to 100, और आपको मैंने दिखाया एक फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में एंड सिक्स गियर में कितनी स्पीड में जाती। सिक्स गियर को मैं पूरा एनालाइज नहीं कर पाया क्योंकि जगह बहुत कम थी, हाईवे पे था लेकिन जगह बहुत कम थी, तो मैं उतना भगा नहीं पाया। टॉप स्पीड जो मैंने इस बाइक में अचीव की है 140 के अराउंड अचीव की, जैसा आपने देखा होगा। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करता हूँ, होपफुली आपने इन्जॉय किया हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ राइडिंग, ईट स्लीप राइड एंड रिपीट।